सोचा है, एक रात के बाद जब आप उठें तो अगले दिन आधे से ज़्यादा आबादी सोई हो या फिर मर चुकी हो। और यही हुआ था यूरोप में 1347 यानी 13 सेंचुरी के अंदर। और कैसे यूरोप की आधी आबादी ख़त्म हो गई थी। ये यूरोप वो नहीं था जैसा हमें आज दिखाई देता है, ये वो यूरोप था जो बिल्कुल अफ्रीका की तरह था, जो छोटी छोटी बातों पर चर्च का सहारा लिया करता था और टोने टोटके से अपनी बीमारियों को सही करता था। तब लोगों की डिपेंडेंसी खेती पर हुआ करती थी, लोग विदेश व्यापार करते थे। एक बारी 1347 अक्टूबर के महीने में सारे यूरोपियन सेशली पोर्ट पर जाकर खड़े हुए, जहाँ वे अपने घर वालों का इंतजार कर रहे थे, जो जहाज़ों पर आकर जो भी बिक्री हुई थी उसका सारा ब्यौरा देते और आपस में मिलते कि उनका सफ़र कैसा रहा। बहुत देर तक जब जहाज से कोई नहीं उतरा तो लोगों ने जाकर देखा, वहाँ कुछ बीमार लोग और आधी से ज़्यादा सड़ी हुई काली पड़ी लाशें थी। लोगों ने लाशों को और उन बीमार लोगों को बाहर निकाला। जो भी उन लाशों के संपर्क में गया वो भी बिल्कुल वैसा ही हो गया, लोगों के शरीर एकदम काले पड़ने लगे, समझ नहीं आ रहा था, लोगों की चीखें निकल गई। उस पोर्ट पर बहुत भयावह माहौल था, लोगों को पता नहीं चल रहा था ये बीमारी थी क्या। आखिर में पता चला ये प्लेग था जो चाइना से होता हुआ यूरोप आया, और इसे यूरोपियंस ने जो नाम दिया वो था द ब्लैक डेथ। ये नाम इसलिए भी था क्योंकि यूरोप की 40% आबादी को इस बीमारी ने खा लिया था। 40% आबादी इस बीमारी के वजह से ख़त्म हो गई थी। 1894 में फ्रांसिसिस माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलेक्जेंडर येरसन ने इस बैक्टीरिया का पता लगाया और इसे नाम दिया गया येरसन बैक्टीरिया। फिर कुछ सालों बाद लुईस सीमन ने बताया कि यह चूहे के पिस्सुओं में पाया जाता है और वहीं से फैलाता है। प्लेग की वैक्सीन तो बनी, लेकिन आज भी इसका पूरी तरीके से कोई इलाज नहीं है। प्लेग रह रहकर वापस इसकी लहर दौड़ती है और ये तब तक फैलता रहेगा जब तक हम लोग इसकी प्रॉपर प्रॉपर इसकी साफ़ सफाई ना रखें। इसका सिर्फ एकमात्र इलाज है वो है साफ़ सफाई। और उस टाइम पर जैसी कंडीशन थी, लोगों को इतना हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान नहीं था और ज़्यादातर बीमारियाँ हेल्थ और हाइजीन की वजह से ही फैल जाती थी। लोगों को पता ही नहीं था जो चीज़ दिखती नहीं है उसकी वजह से बीमारी फैल सकती है। ये बैक्टीरिया इतने छोटे होते थे, माइक्रोस्कोपिक होते थे, तो लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते थे। इंसान छोड़िए, जानवरों ने खुद तक इस बीमारी ने नहीं छोड़ा और बहुत सारे जानवरों की, इवन कैटल्स की डेथ हो गई, जिन पर एग्रीकल्चर सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है। तो इस तरीके से यूरोप में फैली द ब्लैक डेथ, और जिसे हम प्लेग के नाम से जानते हैं। तो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आगे भी बिल्कुल ऐसी ही वंडरफुल सीरीज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस तरीके की सीरीज़ चाहिए, और अगर इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा कुछ पता है तो आप वो भी वहाँ पर को लिखिए। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर योर।